नमस्कार, मैं चंद्रशेखर शर्मा और आज आपको लाइव तस्वीर दिखाने जा रहा हूँ थावला के गेदरों की ढाणी की, जहाँ आप देख पाएंगे कि बिजली विभाग द्वारा खींची जा रही 11,000 केवी लाइन का यहाँ पर ऑब्जेक्शन किया जा रहा है। आखिर ये अपवाद क्यों फैला, इस लाइन को लेकर लोगों के मन में इतना आक्रोश क्यों है, आइए देखते हैं लाइव तस्वीरें कि इन लोगों की क्या समस्या है, ग्रामीणों की क्या मांग है, यहाँ जो निवास करने वाले हैं उनकी क्या मांग है, आइए देखते हैं लाइव तस्वीरें और आपको ऐसे बहुत सारे दृश्य भी दिखाएंगे कि आखिरकार इस लाइन से क्या नुकसान होने वाले हैं। इसके साथ ही लोगों के विचार भी सुनेंगे कि कौन अपनी समस्या को किस प्रकार से आपके सामने पेश कर रहा है, कौन अपनी समस्या को लेकर बिजली विभाग तक जा रहा है, कौन अपनी समस्या को लेकर अपने आप में आक्रोश पैदा कर रहा है, आइए देखते हैं आज की। थावला कस्बे के आयुर्वेदिक अस्पताल से गेदरों की ढाणी तक बिजली विभाग द्वारा खींची जा रही 11,000 केवी बिजली लाइन को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। आक्रोशित ग्रामीणों ने हंगामा करते हुए उचित समाधान की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि बाजार और मकानों के निकटतम खींची जा रही लाइन से आमजन को जान माल का खतरा बना रहेगा। पूर्व में भी आयुर्वेद अस्पताल के पास हाल ही में हुए बिजली हादसे से 2 नवयुवकों को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा था। क्षेत्र में लगातार हो रहे बिजली हादसों को लेकर आमजन चिंतित है। दूसरी तरफ कुछ ग्रामीणों ने बताया कि करीब 4 वर्षों से वोल्टेज को लेकर गेदरों की ढाणी में बड़ी समस्या है, जिसके चलते 100 से 130 वोल्टेज आते हैं। इस परिस्थिति में पानी की मोटर, पंखे, कूलर, फ्रिज सहित बिजली उपकरण का उपयोग नहीं कर पाते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि एक तरफ जान माल को खतरा और दूसरी तरफ बिजली उपकरणों का उपयोग नहीं कर पाने वाली परेशानी संबंधित विभागीय अधिकारियों की सूझबूझ से समस्या का हल कर पाती है या ग्रामीणों को अपने हाल पर छोड़कर समस्याओं से जूझने पर यूं ही छोड़ देने पर मजबूर होती है। इस मौके पर कुछ जनप्रतिनिधियों ने आपसी समझाइश करके मामला सुलझाने का अथक प्रयास भी किया, परंतु समस्या का उचित समाधान नहीं होते देख आक्रोशित ग्रामीणों ने अपने अपने दाव लगाने शुरू कर दिए है। ऐसा माना जा रहा है कि समस्या को लेकर उच्च स्तरीय जनप्रतिनिधि भी मौका देखने जनता के बीच आकर आमजन की समस्या सुनेंगे। हाँ सर, मैं थावड़ा की पब्लिक आ सर, पूरा गांव के किसान चौराहे पर माका दुकाना मकाना है और आज वो 11,000 लाइन है किसान चौराहे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल लेर आगे कोई गेदरा की रानी दिन ले जा रही है, मेन रोड रोड मेरता रोड पर है। तो अब पूरा मतलब ग्रामीण क्षेत्र में आवासीय कॉलोनियाँ हैं, पूरा मार्केट है, भीड़ भाड़ वालों इलाकों है, बट वो 11,000 गुजर रही है और बी के नीचे नीचे LT लाइन आगे लागोड़ी है, बी के ऊपर 2-3 फुट ऊपर है और दूजा खंबा घाट बी के ऊपर मतलब 11,000 लाइन ले जा रही है, जिसको मतलब ग्रामीण ग्राम किसान चौराहे पर भीड़ भाड़ वाले इलाका में हरदम मतलब जन हानि को खतरों पैदा हो रहे थे। 11,000 यानी किया करेगा दूर हुई करंट खींचे, चाहे 3-4 फुट 5 फुट आत रहा हूँ करंट खींचे और बारिश कम आई न, और इनमें 2-2.5 फुट नीचे या LT लाइन लागोड़ी है, तो बयान तो डिपार्टमेंट कहेगा 3-4 फुट ऊपर ही खींचे, जबकि नीचे 2-3 फुट नीचे LT लाइन लगी हुई है, ऊपर मतलब है 11,000 लाइन खींच रही है और पूरी पब्लिक ने मतलब जन हानि होबा को खतरों पैदा हो रही है। ऐसा ग्रामवासी समस्त सगड़ा ग्रामवासी भेड़ा जोड़ा है, सब सब माँ के साथ है और कहो भाई अगर बिजली बोर्ड ने लाइन लगानी है कोई ढाणी के वास्ते तो मैं कोई दूसरा रास्ता निकाले, और बिजली बोर्ड है जो को बटीनू कोई दूसरी सेंक्शन लिया है बटीनू मतलब लाइन ना खींचे और गांव के अंदर 11,000 ना, जबकि गांव 11,000 को बहुत खतरों रहे हुए 11,000 ना गांव का माइनू खींच रिया है, तो इन्हें बंद करवा भी जाए सा काम ने और आगे के वास्ते इन्हें काम ने बंद करावे और कोई नया सिरा जटा आपने लाइन देनी है कोई गेदरा की ढाणी में तो पावर हाउस क्रू जान भी है सीधी खींचे या जो भी रस्तों है बटीनू ANJN निर्धारित करे कि भाई अटीनू जटीनू कोई का नहीं अड़े, गांव के मायने नहीं आवे बटीनू लाइन ना खींचे और अटीनू लाइन को काम बंद करावे। देखे ये सब भेले होकर आए हैं यहाँ कि गेदरों की ढाणी में जो लाइट आ रही है 11,000 उससे जनहानि हो रही है, तो आयुर्वेदिक अस्पताल से जो लाइट आई हुई है उससे जनहानि नहीं होती है, आगे क्या तारोप लटकेंगे ये लोग, हमारे गेदरों की ढाणी में लाइट आनी चाहिए और हमारे पास तेजाचौक की लाइन आई हुई है और इसी में आनी चाहिए, जो 11,000 लगी है अभी तार ये खंभे गड्ढा है इसी पे आनी चाहिए, जहाँ जिनके दिक्कत है वहाँ PVC पाइप लगवा दिए जाएंगे। हाँ साहब, मैं बाबूलाल गैदर बोलूँ, 3 साल हूँ लाइट की प्रॉब्लम है इनकी, है गर्म पानी की मोटर भी सुरक्षित नहीं उठे और पंखा भी है तो वोल्टेज 80-85 वोल्टेज गरम आ रही है, इस समस्या के दोबारे में लाइट को समाधान करा तो 1 महीना अड़चन बता रही है लोकपाल आए, बाकी सब चीज़ों को है अब क्या अन्नू खाँचा कोई समस्या हल नहीं हो रही। गांव थावड़ा में अभी जो 11,000 की लाइन निकल रही प्रस्तावित है, जो बता रहे हैं कि आपके किसान चौराहे से गेदरों ढाणी तक आपके लगी जानी है,
लेकिन उससे जो आपके मार्केट के इलाके जो भीड़वा इलाका किसान चौराहे वाला इलाका है उस इलाके में जन आने का हमेशा खतरा बना रहेगा। हमें कोई गेदर ढाणी में लाइट लगाने या लगने से आपत्ति नहीं है, उनको गवर्नमेंट इंतजार करे कि जहां से गेदर और कोई रूट हो उससे आप लाइट पहुंचे, उनके लाइट पहुंच जाए और हमारे जन आने का हानि नहीं हो, बस यही हमारी मांग है बस। धन्यवाद। हाँ सर, गेदर के ढाणी के महीने बिल्कुल 0% लाइट है, लाइट आ रही है बनी, 8 साल से प्रॉब्लम चल रही है, समस्या को समाधान हो रही है, ऑब्जेक्शन कर रही है सर सब लोग मिलर जो वहाँ के लाइट चाहे कोई भी प्रशासन या कोई भी डिपार्टमेंट लाइट किधर से भी लागू हमको लाइट चाहिए गेदर के ढाणी में। मैं पुखराज कुमावत, हमें 11,000 KV की लाइन डाल रहे हैं, ये PVC की जरूरत है, हमारा मकान पास में है इसलिए हमें PVC की जरूरत है, PVC लाइन डाली जाएगी।